कोई डाउट, कोई डीबीपी, कोई डाउट? यस सर, एक डाउट था बताओ सर, एक बात आ चुका उसमें. क्या हुआ? भाई किसको डाउट है? सर मुझे तो भैया क्या डाउट है, स्क्रीन शेयर करोगे? कैसा डाउट है? यस सर, कर लो सर. ये रहा, ये बात है. A man is moving with velocity not in the amplitude. अरे ये तो बुकिंग बात है ना यार, लोन लिखने में स्पीड नहीं गया तो सुनो. क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेट करना था यार, कैलकुलेट करना इतना उतना आपको बोला था मैंने पिंग करने को, आप लोगों ने पिंग नहीं किया रीजन है. सर किया था शेयर हाँ सर, आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया था क्वेश्चन नहीं वाला. याद भी नहीं है आपको, बोलते रिमाइंड कराने के लिए कोई दो चार लोग मेरे को भेज देना, मेरे को याद आएगा तो मैं करूंगा. जितना कैलकुलेशन कर लेंगे ना, मुझे कुछ कैलकुलेशन करवा आ रही है मैं आपको कौन से चीज का कैलकुलेशन चाहिए है, प्लीज रिमाइंड मी ऑन व्हाट्सएप. आई विल जस्ट क्रॉस इट. और बताइए कोई डाउट हो तो. सर और कोई नहीं है. और कोई डाउट है? देखो एक बार इसके लिए रिमाइंडर में मैंने बोला था सो कैलकुलेशन मुझे करनी है, कैलकुलेशन की गड़बड़ आ रही थी तो रिमाइंड मी ऑन व्हाट्सएप ड्रॉप टेक एंड देन आई लेट यू नो. चलिए और कोई डाउट, एनी अदर डाउट्स? नो. चलिए बताइए क्या करना था, बताइए. सर वो बैंकिंग वाला केस हो गया था जिसमें फ्रिक्शन था. बैंकिंग वाला केस हो गया था? यस सर, जिसमें फ्रिक्शन था. बेसिकली आपने देखा हो कि बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं, विद फ्रिक्शन हमने बात कर ली थी उसकी, है ना. बैंकिंग में फ्रिक्शन के साथ हमने बात कर ली थी, राइट. करी बस अब आपका ऑलरेडी चैप्टर पूरा हो चुका है, इसलिए कुछ और एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है. कैसे फ्रिक्शन के और प्रॉब्लम आई सकते हैं, मैंने कहा सर एक और देख लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल. साइकिलिंग है ना, साइकिलिंग का भी एग्जांपल देख लेते हैं. देखो साइकिलिंग जब करते हो, साइकिलिंग का भी एग्जांपल देख लेते हैं. मान लो कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है. तो जब साइकिल आप करते हो तो आपने कभी देखा टर्न करते टाइम आप हमेशा टर्न करके, सपोज दैट ये ऐसा होता है, आगे से देखो जरा, ये साइकिल है सपोज. आप क्या करते हो जब चल रहे होते हो तो आप साइकिल को थोड़ा सा बेंड कर देते हो, मतलब तो बेंड ऐसे, ठीक है. कभी आपने देखा है साइकिल को जब आप टर्न करते हो तो आप इसको ना साइकिल को ऐसे बेंड कर लेते हो. मोटरसाइकिल वगैरह में देखा होगा जो रेसिंग होती है उसमें वो इस तरीके से वो बेंड हो जाती है, देखा है कि नहीं देखा है? यस सर. तो आप देखते हो कि सर वो बेंड क्यों हो जाते हैं, वो अगेन देखो सेम रीजन से. मैं कहा मान लेता हूँ कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं भी होता, ना तो यहाँ फ्रिक्शन है ना ही यहाँ पे बैंकिंग है, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल क्या नॉर्मल की हेल्प से वो घूमना चाहते हैं. आप देखोगे कि देखो भाई साहब नॉर्मल लग कैसा रहा होगा, नॉर्मल आप बोलोगे लग रहा होगा ऐसा इधर की डायरेक्शन में,
आप क्या बोल रही है, साइकिल ऐसे थी, साइकिल अगर ऐसे थोड़ा सा आप अपने आप को बेंड करोगे तो सरफेस के ऐसे इस तरीके से जाएगी साइकिल, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आपको नॉर्मल लग रहा होगा, तो नॉर्मल की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। आपने बोला कि मान लो ये वर्टिकल से कितने एंगल आपने बेंड कर लिया थीटा, तो सर ये डायरेक्शन हो जाएगी एन कॉस थीटा और ये डायरेक्शन हो जाएगी एन साइन थीटा। मान लो आप स्पीड 20 फीट से जा रहे हो और इसका जो रेडियस है सर्कुलर टर्न का वो कितना है आर, आप बोलो नीचे के तरफ क्या लगा हुआ है, एग्जैक्टली नीचे लगा हुआ है एम यू। तो यहाँ से एक चीज समझ में आएगा कि एन कॉस थीटा जो है वो एम जी के बराबर आ रहा होगा, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा होगा, तो आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है वो है एन साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन सा, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन एम जी स्क्वायर आया है ना सर। वन और टू को डिवाइड कर दो, टू डिवाइड बाय वन, आप बोलोगे टेन की लाइन वैल्यू देखो क्या आ रही है भाई, बीस पर आया आपके आप बोलोगे सर कितना बैंड होना पड़ेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर बी से इसको सर्कुलर टर्न लेना है तो आप कितना बैंड हो गए कि आप फ्लिप ना करो ठीक है, तो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। तो ये भी सेम क्वेश्चन आ रहा है जैसे आपने बैंडिंग देखा था ना, बैंड बैंडिंग देखा था, ये उसी का एक टाइप है, आपके सबके प्रॉब्लम है ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई खास अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई कोई दिक्कत हो तो आप बताओ ठीक है। कितना साइकिल वाला आपने आपको बैंड ठीक है, तो दैट वो आराम से बिना सीट के निकल जाए, तो टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर जी। चलिए कोई दिक्कत, ये रिकॉर्ड टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया यस सर। और प्रॉब्लम देख लेते हैं कुछ, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये टेबल है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, कैसी टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है। आप बोलते हो कि सर ये हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसे ओमेगा से घूम रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल है ये इस तरीके से ओमेगा से घूम रही है ठीक है। मैंने बोला कि सर यहाँ पे सेंटर से आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट रख दिया स्मॉल एम मास का, आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल एम मास का क्या रख दिया, पॉइंट रख दिया। उससे ये पूछा गया है कि सर म्यू की वैल्यू कितनी हो सच दैट दिस पॉइंट डज नॉट गिव, करेगा वो ये ट्राई करेगा क्वेश्चन। Let's give it a try and then I'll let you know. एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। सर ये अपनी एक्सिस से रोटेट कर रहा है ना बस, क्या हो गया बेटा, ये टेबल रोटेट कर रहा है, टेबल आपने बोला कि इस टेबल के ऊपर आपने कॉइन रखा हुआ है, तो कॉइन और टेबल के बीच में कितना फ्रिक्शन होना चाहिए सच दैट दिस कॉइन शुड नॉट स्लिप ऑन द टेबल। सर ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी लोगों को भी आई गेस यू आर राइट। सर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर बाय, इन
अगर इसको घूमना है, इस कॉइन को टेबल के साथ साथ घूमना है, तो इसका मतलब इस कॉइन को क्या करना है, सर्कुलर मोशन करना है ना? क्या करना है? एक सर्कुलर मोशन करना है। स्क्रीन में दिक्कत आ रही है क्या? नमस्ते सर, अभी सही है। ठीक आ रही है सर, स्क्रीन यहाँ पे काफी बारिश हुई है, तो थोड़ा बहुत ठीक है। मैंने कहा सर अगर इसको घूमना है, घूमना है तो आपने बोला कि सर इसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, पर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देगा? बोलोगे फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, आप टेबल को घुमाते हो, ये घूमता ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये घूमता है, ठीक है? तो फ्रिक्शन होगा वही इसको क्या देगा, आप इसको थोड़ा ऐसे देखो, ये है टेबल, ये कॉइन यहाँ रखा हुआ है, इस कॉइन पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, और ये टेबल जो है वो ऐसे घूम रही है ओमेगा से, है ना? तो आप बोलोगे इसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, तो वर्स सेंटर, वो सेंट्रीपेटल फोर्स जो चाहिए वो कौन देगा? फ्रिक्शन देगा, और कोई तो फोर्स है नहीं, तो आप बोलोगे फ्रिक्शन की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी कौन सा? सेंट्रीपेटल, सो दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये होगा आपका फ्रिक्शन। मैंने कहा लेकिन सर इस फ्रिक्शन की एक औकात है, ये फ्रिक्शन आप बोलोगे सर कैसा होता है? लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग होता है, मतलब न्यू से, न्यू एन से छोटा होगा। तो इसका मतलब आप बोलोगे जो म्यू एन, ठीक है, तो आप बोलोगे ये जो फ्रिक्शन है हमेशा म्यू एन पे छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो एम ओमेगा स्क्वायर आर है वो हमेशा कैसा होगा? लेस देन म्यू एन होगा, है ना? क्योंकि यार देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर एफ के बराबर है, और एफ की वैल्यू म्यू एन से हमेशा छोटी है, उसके बराबर होगी। तो आप बोलोगे ये जो फोर्स है ये हमेशा इससे कम या इसके बराबर ही मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से वैल्यू रखो, एन की वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ से आपको समझना है एन की वैल्यू आ रही होगी एम जी के बराबर, रख दो आप एम ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एम जी, ठीक है? एम से एम कैंसिल, तो आप क्या बोलोगे जो म्यू है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय टी, सही आ रहा है? यही आ रहा है सबका, म्यू की वैल्यू इससे ज्यादा या इसके बराबर होनी चाहिए। क्लियर है बात? अगर म्यू की वैल्यू इससे कम हो गई तो स्लिपिंग होगी ही होगी, है ना? म्यू की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब फ्रिक्शन इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम हुआ तो आप बोलोगे स्लिपिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू अ वन मोर क्वेश्चन, इन फैक्ट टू मोर क्वेश्चंस, आप अ लिटिल स्मॉल जॉब, तब तक आप लोग सॉल्व करो। आपने बोला कि सर यहाँ पे एफ मिनिमम सच दैट जो एम है वो स्लिप नहीं करेगा, ये और दूसरा क्वेश्चन पुलिंग वर्सेस पुशिंग अ ब्लॉक, दूसरा क्वेश्चन विच वन इज इजियर, इसकी वैल्यू निकालो आप और इसका रिजल्ट सोच के रखो कि ऐसा क्यों होगा और क्या होगा। आप कमिंग इन 2 मिनट्स, तब तक आप ये ट्राई करें।
हाँ भाई आंसर आया, यस आंसर, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। सर। अजी तो बताइए आंसर इसका, फर्स्ट का। MG MG/U आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। by MG/U new। चलिए और कोई आंसर किसी और का? चलिए इसमें मैं सिंपल क्वेश्चन जिसने कर लिया वो छोड़े, तो बस इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ इसका लिमिटिंग फ्रैक्शन कितना होगा? लिमिटिंग फ्रैक्शन का जो आपका फॉर्मूला आप कह सकते हो जो बन के आएगा वो कितना आएगा, जो चीजें गिवन है उनके टर्म्स में दिए मुझे। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? सेवा रिपीट कितना होगा? सर, रिपीट। मैंने बोला कि सर इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन चाहिए इस क्वेश्चन में, इनके टर्म्स में जो चीजें गिवन है उनके टर्म्स में। यूएन सॉरी यूएन म्यू एन एन का है यहाँ पे। What did I ask? The things which are given. What is n here? N is तुम नया वेरिएबल लेके आ रहे हो। मैंने कहा जो चीजें यहाँ गिवन है उनके टर्म से मुझे आंसर दिए ना। n तो है ही नहीं यहाँ गिवन। n की वैल्यू क्या रखोगे फिर बताना जरा मुझे। n की वैल्यू क्या रखोगे? म्यू एन तो आपने बोल दिया, तो मैं कौन एम पता म्यू का n का है? एफ इक्वल हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी? एन एफ के इक्वल हो जाएगा। ऐसा रखो ना तो म्यू एफ बोलो ना फिर। देखिए भाई आप बोलोगे सर इस पर इसका एफबीडी बनाओगे, नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा एफ आपका, इधर की तरफ लगता है एम जी, इधर की तरफ लगेगा बॉडी की टेंडेंसी नीचे की तरफ स्लिप होने की है तो फ्रिक्शन फीट ऊपर की तरफ लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं लग हो रहा है तो आप बोलोगे सर इसका मतलब एन और एफ बराबर होंगे। देखो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो आप बोलोगे इसका मतलब नॉर्मल और फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे और फ्रिक्शन और एम बी। मैंने कहा सर अगर मान लो नीचे की तरफ एक्सप्रेशन ए है ठीक है तो एम जी से ही नीचे चला जाएगा। मैंने कहा एम जी को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन रहेगा, एम जी को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन रहेगा है ना। अब आप बोलोगे फ्रिक्शन की लेकिन औकात है और वो फ्रिक्शन की औकात क्या है? दैट शुड बी इक्वल टू लेस देन म्यू एन। फ्रिक्शन म्यू एन से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन म्यू इन टू एक्स से। अच्छा मैंने कहा इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो एम जी को बैलेंस अगर कर सकता है ना। आप बोल सकते हो इसका मतलब फ्रिक्शन और एम जी बराबर है तब तक बॉडी स्लिप नहीं करेगी। फ्रिक्शन और एमजी अगर बराबर हैं तो आप बोलोगे कि सर वो बॉडी तब तक स्लिप नहीं करेगी है ना। तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन की जगह पर तो एमजी, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू एफ, इसका मतलब एफ की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन एमजी बाय म्यू। मिनिमम फोर्स मुझे कितना चाहिए? दैट इज एमजी बाय म्यू। अगर इससे कम फोर्स मैंने लगाया तो बॉडी नीचे स्लिप हो जाएगी। कम से कम मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? दैट इज इक्वल टू एम जी बाई म्यू। ठीक है कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। छोटी छोटी चीजें भाई साहब यही कंसेप्ट बनाती हैं। मुझे क्वेश्चन नहीं करना, मुझे कंसेप्ट सिखाने बस। देखो एन की वैल्यू आंख बंद करके लोग एम जी लिखते हैं, एन की वैल्यू एम जी के बराबर उसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं पहली क्लास से बोल रहा हूँ ठीक है। चलिए मैं
हाँ भाई साहब, आप बोलोगे किसी भी बॉडी को पुल करना या पुश करना कौन सा इजी होता है? एक हैवी बॉडी है, ग्राउंड पे रखी हुई है, आप उसको पुल कर सकते हो या पुश कर सकते हो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। विच वन इज प्रेफर्ड ऑप्शन, पुलिंग और पुशिंग, एंड व्हाई? एनीवन? अरे भाई कोई बताएगा? सर पुलिंग। पुलिंग एंड व्हाई को? बिकॉज सर पुल करने से जो उसका नॉर्मल रिएक्शन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए मैंने कहा सर दो ब्लॉक लेके चल रहा हूँ, सेम ब्लॉक है, सेम सरफेस है, सब कुछ सेम है। ये एक मास है, एम है, मैं इसको किसी एंगल से पुल करता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से मैं इसको पुल कर रहा हूँ। मैंने कहा सेम ब्लॉक, सेम ग्राउंड, मैं सेम एंगल पे इसको पुश कर रहा हूँ, ठीक है, एफ फोर्स से, हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल थीटा से इसको मैं पुश कर रहा हूँ, सेम फोर्स से। ये धक्का मतलब ऐसे धक्का लेके जा रहा है, किसका के लेके जा रहा हूँ, और एक मैं पकड़ के अपने साथ ऐसे नहीं था, ऐसे पकड़ के खींच के मैं किसी हैवी बॉडी को किसी एंगल पे फोर्स लगाते हो ना, जैसे आपने रोलर देखा होगा, रोलर को देखो ऐसे कहते हैं एक एंगल पे धक्का देते हुए जाते हो, है ना, पुश करते टाइम। हाँ मैं सॉरी सॉरी, ये पुश करते टाइम नहीं, पुश तो ऐसे नीचे से नहीं करेंगे, ऐसे करते ये एंगल थीटा पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से पुश, जब भी आप उसको पुश करते हो तो ऊपर से ऐसे किसी एंगल पे पुश करके लेके जाते हो किसी बॉडी को, ठीक है, मैं बहुत अच्छी बात है। मैं कहा दोनों ही केस में यहाँ न्यू है फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ही केस में यहाँ पे कितना है, न्यू। अब दोनों केस की तरह एफबीडी बनाओ, मैंने इस केस का एफबीडी बना, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ एमजी, फिर इस डायरेक्शन में ऐसे मैं कहता हूँ उसका एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा कहते हैं एफ साइन थीटा, इसके कंपोनेंट करिए मैंने, क्योंकि तो बॉडी तो है वो अलोंग दी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के अलोंग ही मूव करने वाली ना, उसका एक्सेलरेशन अलोंग दी हॉरिजॉन्टली आने वाला है, ठीक है, मुझे मालूम है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो अलोंग दी सरफेस होगी, तो आपको एक्स और वाई एक्सेस ऐसे लेने पड़ेंगे। मैंने कहा इस केस का जरा देखो, एक और देखो, जब ये बॉडी आगे जाएगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप बोलोगे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। इस केस की बात करो, फोर्स ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा थीटा, ही एंगल है ना, एफ कॉस थीटा, और एक नीचे की तरफ आएगा एफ साइन थीटा, है ना, ये है फोर्स की डायरेक्शन, ये है, तो आप बोलोगे ये फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, प्लस मैंने कहा नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा इसको बोलोगे आप एम जी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा बोलोगे इसको बोलोगे नॉर्मल, पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा इसको बोलोगे फ्रिक्शन। आपको पता है कि सर ये जो फ्रिक्शन है इस फ्रिक्शन को ओवरकम करोगे तभी ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, अगर इस फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाए तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं करेगी। सेम हियर, देखिए एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, दोनों केस में एफ का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है हॉरिजॉन्टल के अलावा, एफ कॉस थीटा, तो आप बोलोगे जिस केस का ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा उस केस में आपको ये वाला कंपोनेंट ज्यादा आना चाहिए, और ये कंपोनेंट ज्यादा आएगा मतलब आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए, है ना, तो आप क्या करोगे कि सर दोनों का लिमिटिंग केस निकालो। मैंने कहा देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, तो इस केस में आप बोलोगे नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी, और नॉर्मल की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, इस केस के लिए बात करो, देखो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो एन जी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, भाई साहब यहाँ देखिए नॉर्मल कम आ रहा है, यहाँ नॉर्मल ज्यादा आ रहा है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इनटू एन, म्यू तो दोनों सरफेस के लिए बराबर है, तो इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा आएगा,
मतलब बॉडी को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ओवरकम करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को, मतलब आप बॉडी को स्टार्ट करने के लिए मोशन। यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितने के बराबर आएगा, म्यू इनटू एन, और यहाँ पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर आएगा, म्यू इनटू एन। पहले केस का नॉर्मल एम जी माइनस एफ साइन थीटा है, दूसरे केस का नॉर्मल एम जी प्लस एफ साइन थीटा है। अगर ये नॉर्मल ज्यादा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसा होगा, कम होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा तो एफ कॉस थीटा कम फोर्स में भी ये बॉडी आगे चली जाएगी, जबकि यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो एफ कॉस थीटा भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब एफ ज्यादा होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इट इज इजी टू पुल रादर देन पुश, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एफ जो आप लगा रहे हो फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल में हेल्प कर रहा है, नॉर्मल में हेल्प कर रहा है, तो आपको नॉर्मल कम लगाना पड़ रहा है। नॉर्मल कम लगेगा तो आप बोलोगे फ्रिक्शन कम लगेगा, जबकि यहाँ पे एक कंपोनेंट नॉर्मल के अगेंस्ट वर्क कर रहा है ना, मतलब नॉर्मल की वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो नॉर्मल बढ़ेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ेगा तो यू विल रिक्वायर मोर फोर्स टू मूव अ बॉडी, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट पुलिंग अ बॉडी इज इजियर। कभी आप देखोगे भी जब भी कोई हैवी बॉडी को आपको खींच के लेके जाना होता है तो पुल करना आसान होता है रादर देन पुशिंग अ बॉडी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसको बताने का तरीका कि विच वन इज इजियर एंड व्हाई इट इज इजियर। तो आप बोलोगे बिकॉज इन पुलिंग द वन कॉम्पोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स है ना हेल्प्स इन द नॉर्मल, ठीक है। सो द नॉर्मल इन दिस केस इज लेसर देन इन दिस केस, तो नॉर्मल इज लेसर इट मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेसर, इट मीन्स जो आपको फोर्स लगाना है बॉडी को मूव कराने के लिए दैट विल बी लेसर, सो इट इज इजियर टू मूव। इसको हम इस तरीके से आंसर देते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बोलता है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, मैं कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं कि ये बॉडी मूव कर जाए। देखिए मिनिमम फोर्स मैंने कहा इस वाले केस में तो आपको कंसिडर ही नहीं करना कि भाई साहब इसमें तो ज्यादा ही फोर्स लगाना है, तो आप तो बोलोगे इस वाले केस में मिनिमम होगा, तो आप बोलोगे इस वाले केस में भी मिनिमम कितना लगाएं कि बॉडी स्टार्ट कर जाए मूव करना, तो वो वैल्यू निकालनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन इसकी वैल्यू को मिनिमम निकालेंगे, ये वाला हटा दो है ना। मिनिमम के लिए आप कौन सा वाला केस कंसीडर करोगे, ये वाला, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज्यादा दे रहा है, इससे कम तो पुलिंग में लग रहा है, तो पुलिंग वाले में भी हम कहेंगे मिनिमम कितना लगाना पड़े कि बॉडी मूव कर जाए, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला पोर्शन में रिमूव करूंगा। देखिए मैं कह रहा देखो एफ की वैल्यू निकालो पहले कितना आएगा, मैंने कहा देखो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, तभी तो बॉडी मूव करेगी। दिस कंपोनेंट शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन तभी ये बॉडी मूव करेगी, तो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन। हां सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैंने कहा फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके म्यू इनटू एन, दैट इज ग्रेटर देन म्यू इनटू एन है ना, और एन की वैल्यू यहां से निकालो, एन की वैल्यू कहां से निकालोगे, यहां से एम जी माइनस एफ ये लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी सॉरी म्यू टाइम्स ऑफ एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एफ वाले कंपोनेंट एक साइड लेके आओ, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा म्यू टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आप बोलोगे म्यू एफ साइन थीटा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम डी। एफ कॉमन ले लो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम डी। मैंने कहा सर एफ को इधर लेके चले जाओ, तो आप बोलोगे एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम डी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अच्छा अब जरा देखो अभी भी आपको पता नहीं किस एंगल पे आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। मैंने कहा वो एंगल भी तो निकालो कि सर किस एंगल पे लगाओ इतना मिनिमम फोर्स तो बॉडी मूव कर जाएगी, उसके अलावा कितना भी फोर्स लगाते कितना भी मिनिमम फोर्स लगाओ किसी भी एंगल पे बॉडी मूव नहीं कर सकती। मैंने कहा सर दिस हैज टू बी मिनिमम, उसके लिए आप बोलोगे देखो म्यू कॉन्स्टेंट है वो आप चेंज नहीं कर सकते, मास ऑफ द ब्लॉक चेंज नहीं कर सकते, जी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते,
आप बोल सकते हो कि सर ये वाली क्वांटिटी को समहाउ अगर मैं मैक्सिमम कर दूं, अगर डिनोमिनेटर मेरा मैक्सिमम हो जाएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी मेरी मिनिमम हो जाएगी। और आपको मैक्सिमम मिनिमम वाले टॉपिक में आपको याद हो कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाले फॉर्मेट का मिनिमम वैल्यू कितनी, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना सर। इसका कोफिशिएंट ए है और इसका कोफिशिएंट बी है, तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, राइट। तो आप बोलोगे सर वो वैल्यू रख दोगे तो आप बोलोगे एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो दिस इज द मिनिमम फोर्स, एफ की वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो बॉडी मूव करेगी, अगर इससे कम हुई किसी भी एंगल पे फोर्स लगा लो बॉडी विल नॉट मूव। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट यूज किया है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला जो मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा होगा मैथमेटिकल टूल्स में, शायद ही कुछ ही लोगों को याद आ रहा होगा। तो भाई साहब ये वहां से ही कंपोनेंट हमने यूज करके और इसका रिजल्ट निकाला है, ठीक है। तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ये मिनिमम वैल्यू है तो इसमें बस इक्वल टू लिखेंगे ना, मतलब एफ इक्वल टू म्यू एम जी बाई ए। हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे, अरे मैं तो आपको एफ का पूरा एक्सप्रेशन दे दिया ना, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो मतलब मिनिमम वैल्यू कोई पूछ रहा है तो कितनी होगी, इतनी ना। एफ की वैल्यू इस वैल्यू से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कोई पूछेगा तो केवल इतनी वैल्यू लिखोगे आप, मैं तो आपको पूरी एफ की वैल्यू लिख दी है, एक्सप्रेशन दे दिया आपको, ठीक है। यस सर। सर अगर इन दोनों ब्लॉक्स पे पुशिंग और पुलिंग के टाइम पे हम सामने से ही फोर्स लगाएं, मतलब थीटा जीरो हो, तो सेम ही फोर्स लग जाएगी ना, मतलब ज्यादा इजी और टफ वाली बात नहीं रहेगी सर तब। कितने फोर्स लगाओ, मैंने कहा मिनिमम फोर्स लगाओ, उससे बॉडी उस केस में मूव नहीं करेगी। आप तो एक केस को कंपेयर करो ना, उस केस में आपको फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा तब बॉडी मूव करती है, अगर आप हॉरिजॉन्टल से लगाओगे तो। अगर किसी एंगल पे लगाओगे तो आपको उससे भी कम फोर्स से बॉडी मूव कर जाएगी। तो भाई साहब हम ज्यादा फोर्स क्यों लगाएं, हॉरिजॉन्टल के केस में आपको फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा तब बॉडी मूव करती है, ठीक है। ओके बल्कि आप सर। किसी एंगल पे लगाते हो तो इतने फोर्स से भी बॉडी मूव कर सकती है, अगर इतना फोर्स आप हॉरिजॉन्टल लगा दोगे बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक ओके सर। है। तो वो एक केस है, एक केस के केस में आप बोल सकते हो उस पर्टिकुलर केस में दोनों में बराबर आता है, बट जनरली तो नहीं आ रहा ना, वो जनरल केस नहीं है, वो तो एक स्पेशल केस है, उसमें भी आपको जो फोर्स लगाना है वो उससे कहीं कहीं कम फोर्स में हम बॉडी को मूव करा सकते हैं, तो हम क्यों हॉरिजॉन्टल लगाएंगे ये बताओ, ठीक है। हमें चीजों को इजी करना है ना, हम उसको टफ करें हम तो कहेंगे सर पहले उसे नीचे से ऊपर उठाएंगे और फिर लेके जाएंगे, दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, राइट। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। बस एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, सिंपल सा बेसिक सा फंडा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक थीटा एंगल है, इंक्लाइंड प्लेन है, एक आयन मास का ब्लॉक रखा हुआ है, म्यू इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मुझे इस स्मॉल एम मास पे नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लगे हैं बस इतना बता दो। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल एम मास, जी कोई बताना चाहेगा। अरे भाई क्या हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आंसर नहीं बता रहे हो यार। सर तीन। तीन, चलिए एनीबॉडी एल्स और कोई आंसर,
और कोई आंसर नहीं दे रहा है? आर्मी नो आंसर? सर तीन ही होने चाहिए वैसे तो। बस सर वो ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं तो कुछ मुश्किल डाला होगा इसमें, इसलिए मैंने सोचा। तो कोई बात नहीं, आंसर दो ना। गलत होगा तो क्या हुआ, गलती से तो सीखोगे, जब तक गलती निकलो सीखोगे नहीं ना। चलो क्या तो द करेक्ट आंसर इज टू। आप बताओ आंसर, अगर मैंने टू बोला है करेक्ट आंसर इज टू। सर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना। तो निकालोगे भाई फ्रिक्शन को कंसीडर? सर जो एम जी कॉस थीटा है और नॉर्मल है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लग नहीं रहे, इसका मतलब ये है क्या? सर क्या अगर मैं तेरे ऊपर दोनों साइड से बोलूं दो बंदे लगा दूं खींचने के लिए तो क्या बोलेगा? तेरे ऊपर फोर्स नहीं लग रहे हैं? सर लग रहा है। ओके सर। नेट फोर्स जीरो है बट फोर्सेस तो लग रहे हैं ना बेटा। बीच में से दो पार्ट में चला जाएगा भाई और कहेगा तेरे ऊपर फोर्स तो लगा ही नहीं। सर हाँ जी सर, सर मेरी आवाज आ रही आ रही है? बोलो बोलो सर। वो मैं तब आंसर बोल रहा था, टू बोला था मैंने सर। नहीं तब आपकी आवाज नहीं पहुंची मेरे पास। यस सर, टू कह रहा था मैं, नंबर ऑफ फोर्स। बताओ क्यों टू? सर क्योंकि फ्रिक्शन तो जब ही लगेगा ना, जब हम फोर्स लगाएंगे इसमें तभी तो, मतलब लिमिटिंग वाला। सीरियसली इस बॉडी पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? कौन रोकेगा इसको फ्रिक्शन लगाने से? अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो बॉडी नीचे की तरफ नहीं खिसक आएगी। बॉडी की टेंडेंसी नीचे की तरफ खिसकने की है अपने आप की, नहीं है। फ्रिक्शन उसको अपोज करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। सर वो क्या बोलते हैं, नॉर्मल और जो फ्रिक्शन है हाँ, वो दोनों तो कांटेक्ट फोर्स में ही आ जाएंगे। देयर आर टू फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स एंड एमजी। भाई साहब नॉर्मल और फ्रिक्शन तो एक ही फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। चार बार गिनोगे क्या उनको? फिर तो बोलो एमजी कॉस थीटा भी लग रहा है, एमजी साइन थीटा भी लग रहा है, चार फोर्स गिना दो। गॉट माय पॉइंट? जैसे हम mg cos थीटा और mg sin थीटा को अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सर वो mg के दो कंपोनेंट है, आप चार कंपोनेंट में तोड़ दो उसको, चार फोर्सेस बोल दो उसको, तो mg cos थीटा और mg sin थीटा कंबाइन होके एक ही फोर्स बनते हैं भाई साहब mg। ऐसे ही कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, उसके दो कॉम्पोनेंट है नॉर्मल और फ्रिक्शन, वो दो अलग अलग नहीं है, एक ही फोर्स के दो कॉम्पोनेंट है। Got my point? Yes, sir. तो कोई आपसे पूछे what is the number of forces acting on this M block? In this case, the number is 2, not 3. अगर जो आंसर बोले नहीं सर 3 हो गया, नहीं तो ये नॉर्मल लगेगा सर, नहीं तो ये फ्रिक्शन लगेगा, मैंने कहा नहीं तो ये एम जी साइन थीटा लगेगा सर, नहीं तो ये एम जी कॉस थीटा लगेगा, चार फोर्सेस बोल दो ना भाई। चार क्यों नहीं बोल रहे हो जो तीन बोल रहे हैं? मैं इसको एक फोर्स को चार में ब्रेक कर दूं तो क्या चार फोर्सेस बोलेगा? ऐसा नहीं होगा ना भाई। ठीक है चलिए, सो दिस इज इट। बस अब आपको प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस कीजिए सारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। थोड़ा अच्छा पेपर आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे इस बार, है ना, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। आई डोंट नो, सिंपल ही है। और मैक्सिमम चीजें हमने लास्ट तक ही पढ़ ली थी, ये सब आज हमने प्रॉब्लम्स किए हैं तो कोई खास नई चीज नहीं है। सारे के सारे आप कर सकते हो, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी तरीके के। डीपीपी आप अच्छे सॉल्व कर लेना, आपके स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस, आपके पास स्टडी मटेरियल भी मिला हो उसके भी आप डीपीपी से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है,
कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर देना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आएंगे और आते हैं आप लोग छोड़ जाते हो उनको, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आपकी थ्योरी विषय बन जाते हैं वो क्वेश्चन आप छोड़ जाते हो तो वो गलत हो जाती है, तो वो नहीं करना है आपको। चलिए देन अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। देखिए भाई साहब इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज होने वाला है भर भर के, तो फिर से रिवाइज कर ले वेक्टर का, मैं आपको बताता जाता हूँ भैया वेक्टर का कहाँ क्या क्या यूज होने वाला था। अभी तक जो चैप्टर पढ़े थे उनमें सिर्फ और सिर्फ आपके वेक्टर्स के बेसिकली क्या यूज हो रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन रिजोल्यूशन। अब आपको इस चैप्टर में भर भर के क्या यूज होने वाला है, डॉट प्रोडक्ट, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, रिवाइज कर लेना। चलिए तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम वर्क को। मैंने कहा सर देखिए इस वर्क की डेफिनेशन हमारे डेली के काम से डेफिनेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एक एम मास का ब्लॉक रखा है, इसको आप एफ फोर से खींच रहे हो विद एन एंगल थीटा। मैंने कहा मान लो कि सर ये यहां से शिफ्ट होके यहां पहुंच गया, सपोज दैट यहां नहीं पहुंच गया, यह डिस्टेंस है डी, तो बताओ इस फोर्स ने कितना वर्क किया, इस फोर्स ने, है ना। हमेशा वर्क जो होता है वो इंडिविजुअल अलग अलग फोर्स का अलग अलग वर्क आता है। एक ही बॉडी पे अगर चार फोर्सेस लग रहे होंगे हमारे चारों फोर्सेस अलग अलग वर्क करेंगे, टोटल वर्क पूछा जाए तो मतलब चारों फोर्स का वर्क इकट्ठा करके बताना नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे अगर आपसे वर्क डन बाय, आप पहले क्लेरिफाई करना विच फोर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। गलती से भी वर्क डन आंख बंद करके जो समझ में आया वो वाला नहीं बताने का, जब आपसे टोटल वर्क डन पूछा जाए तो मतलब ऑल द वर्क डन डन बाय ऑल द फोर्सेस आपको निकाल के उसमें बताने का। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली फोर्स का पूछा जाए तो भाई साहब एक ही बॉडी का एक ही मोशन हुआ है। देखिए इस केस में भी आप बोलोगे इस पे दो या तीन फोर्सेस लग रहे हैं, थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, एंड तीनों फोर्सेस का जो वर्क डन है वो अलग अलग आएगा मियां, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के करेंगे। मैंने कहा सर किस फोर्स का अगर मैं वर्क डन बोलूं तो कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे सर द वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। आप बोलोगे कि सर डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ से यहाँ हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स यहाँ हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। देखिए भाई साहब फोर्स ऐसा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एक कॉस थीटा। हाँ भाई साहब वर्क डन स्केलर है वेक्टर, स्केलर, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है और डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो आप बोलोगे जो वर्क डन है वो कैसी क्वांटिटी है, आप बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी है। आप बोलोगे इसकी एसआई यूनिट बोलोगे, एसआई यूनिट कितनी होगी सर, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर, और किसी एक न्यूटन मीटर को हम बोल देते हैं वन जूल, नाम दे दिया वन जूल, है ना। इसकी जो सीडीएस यूनिट होती है आप बोलते हो वन आर, वो होती है आर, और ये रिलेशन होता है 10^7। ये वर्क की बहुत बेसिक सी बातें हैं, है ना। अब मैंने कहा इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। मैंने कहा केस नंबर वन, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गया, कॉस 0 डिग्री होता है 1, दैट मीन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन को आप सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने कहा केस टू, अगर आप बोलते हो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो कॉस 90 डिग्री होता है 0, आप बोलोगे वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो परपेंडिकुलर हो,
मुझे कोई एग्जांपल दे दो इसका भाई, आई वांट एग्जांपल। एनीवन? जब हम किसी जमीन पे रख के बस के बक्से को नीचे की ओर रखा देते हैं तो उससे कोई भी वर्क नहीं होता, 90 डिग्री पे अगर किसी जमीन पे रखे हुए बच्चे को नीचे की तरफ धक्का देगा तो वो जाएगा कहाँ? सर हिलेगा ही नहीं कभी तो। क्या होगा? हिलेगा ही ना, अब हिलेगा नहीं तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, तो बर्डन वैसे ही जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट सर जीरो हो गया, तो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कहाँ से निकालेगा? पुली जो दो अपने सिर पे सामान रख के ले लेके जाता है वो वाला भी केस। हाँ तो भाई साहब फॉर एग्जाम्पल कैसे एक्सप्लेन कैसे करोगे उसको? एक्सप्लेन तो करो भाई, आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो वो इसमें कैसे सूट हो रहा है एक्सप्लेन करो मुझे, मुझे नहीं करो तो बाकियों को करो। सर जो पुली होता है वो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ जो उसके हेड पे सामान पुली रखा बोल रहा है रहता कि है। पुली बोल रहा है पहले तो ये बता, सर जो वो उठाता है पुली जो वो रेलवे पे उठाते पुली नहीं सामान होता को बेटा वो पुली होता है, पुली पुली, कूली। हाँ सर कूली। हाँ पुली नहीं होता है। हाँ तो सर वो वर्क जो मतलब फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की वो तरफ लगा रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सर आगे की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वेरी वो गुड, हो गया तो उसका वेरी जो गुड। वर्क डन होता है वो जब जीरो हो भी गया। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आपने बोला कि पुली सर पे सामान रखा हुआ है वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है ना, उसका वेट नीचे की तरफ है वो उसके ऊपर की तरफ बैलेंस करके सर पे रखा हुआ है और वो खुद आगे चला जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो सामान का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है जबकि वो जो पुली है वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो आप बोलते वर्क डन बाय पुली इज जीरो, तो कल को अगर पुली आपसे पैसा मांगेगा तो मना कर देने का, भाई साहब किस चीज का पैसा है ना, बोलेगा सर मैं लेके आया मैंने तेरा काम किया, बोले काय का काम तेरा वर्क तो जीरो आया, ये सुनो यस सर। बट डोंट डू दिस, डोंट ट्राई दिस स्टंट एट होम है ना, कभी भी जाके स्टेशन पे ऐसा नहीं करने का वरना पुली का पूरा गैंग आने का और तुम्हारा वर्क डन निकाल देने का, ठीक है तो ऐसा करने का नहीं, बट हाँ अगर टेक्निकली देखें फिजिक्स के हिसाब से तो वर्क डन बाय पुली जीरो होगा, क्यों हो रहा है? बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय द कूली इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हैपनिंग। फर्स्ट सूटकेस लेके जा रहे हो आप, आपने बगल में एक सूटकेस टांग रखा है तो सूटकेस को आपने किधर की तरफ खींच रखा है? ऊपर की तरफ, जबकि आप जा कैसे रहे हो? आगे की तरफ, तो आपके द्वारा वर्क कितना आया? जीरो आया। तो व्हेनेवर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर द वर्क डन बाय देम इज जीरो, ठीक है। चलो थर्ड केस, अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट है, थीटा कैसा है 90 डिग्री से छोटा है, तो आप बोलोगे कॉस थीटा जो होगा वो लेस देन वन होगा, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होता है ना, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा अगर पॉजिटिव होएगा तो वर्क डन कैसा आएगा? सर वर्क डन पॉजिटिव आएगा। यहीं पे अगर आप बोलोगे सर अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाए मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कॉस थीटा लेस देन 0 आएगा और वर्क डन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, कॉस 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या पूछते हो कि सर कॉस इज नेगेटिव, इफ द कॉस इज नेगेटिव देन द वर्क डन इज नेगेटिव, तो आप बोलोगे द वर्क डन बाय दैट फोर्स इज नेगेटिव। हां भैया एग्जांपल देगा कोई, किसका देगा कोई नेगेटिव वाले का? एनीवन? चलो किस किस के घर में कुत्ता है? डॉगी? यस सर है। क्या आपको कौन सा ब्रीड है? एक पवन, कौन सा मतलब पवन आई है, शुभम है, हाँ शुभम यस सर कौन सा ब्रीड है?
सर जर्मन शेफर्ड वेरी गुड। मेल फीमेल? सर मेल। मेल। चलो हाँ, और किसके घर पर है? सर जर्मन शेफर्ड। मेल फीमेल? मेल। मेल। और कोई? अरे बस, पूरे इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ दो लोगों के घर पे डॉगी है? लड़कों का तो मेरे को मालूम है, लड़कों के घर में तो नहीं, चांसेस कम रहते हैं, फिर भी दो लड़कों के घर में निकला है, बहुत बड़ी बात है ना। गर्ल्स के घर से घर में, लड़कों के घर में क्या होता है, पेरेंट दो दो एफोर्ड नहीं कर पाते एक साथ। हाँ गर्ल्स के किसी है, क्या बात करते भाई, दो लोगों के घर में डॉगी है। यार मैं भी जर्मन सर्फर ढूंढ रहा था, मैंने सोचा कोई फीमेल वीमेल मिल जाए तो भाई बस अपना तो गुजारा हो जाएगा, एक डॉगी डॉगी कहीं से लिया जाए। हाँ भाई साहब, शुभम कुमार घुमाने ले जाते हो उस डॉगी को, है यस सर। ना, और घर में ये बता दो कि यार मैं आज घुमा के लेके आया, बहुत बड़ा काम किया है। नो सर। नहीं बताते हो, है ना। अरे मैं घुमा के लाया ना कुत्ते को, एक काम तो किया ना, आप बोल तो मैं काम नहीं करता, ऐसे करते हैं ना भाई, लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, मम्मी पापा को लड़ते हो। अंश तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं होता। तो जैसे आपको बता दूं कि आप जो अगर कभी कुत्ते को घुमाने का क्रेडिट ले रहे हो तो वो आप गलत ले रहे हो, बताता हूँ क्यों। जनरली व्हाट हैपेंस, गली में कहीं दूसरे कुत्ते मिल जाएं तो वो कुत्ता आगे आगे भागता है और आप पीछे पीछे भागते हो उसके पकड़ के उसको। आप जरा सोचो, डॉगी पे आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, डॉगी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ध्यान ना, डॉगी पे आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, एंड डॉगी इज रनिंग लाइक दिस। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट, डॉगी का डिस्प्लेसमेंट देखो और डॉगी पे लगने वाला फोर्स देखो, तो भाई साहब दोनों के बीच में एंगल आ रहा है ऑब्ट्यूज, मतलब वजन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो भाई साहब आपने कोई वजन नहीं किया, आपका वजन तो नेगेटिव आया, और जब भी आपका किसी फोर्स का वजन नेगेटिव आता है तो उसका मतलब क्या है, आप वर्क डन करना तो चाह रहे थे बट एक्चुअली में आपके अकॉर्डिंग वर्क डन हुआ नहीं, वर्क डन तो किसी और ने किया, एक्चुअली में डॉगी ने किया आपके ऊपर। जरा सोचो, ये अगर डॉगी है, आप डॉगी पे फोर्स लगा रहे हो इधर, डॉगी का डिस्प्लेसमेंट है इधर, एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो आपके ये जो शुभम, मान लो शुभम जो फोर्स लगा रहा है उसके द्वारा बगदन, तो बगदन बाय शुभम इज नेगेटिव, और जब भी बगदन, भाई साहब सीरियस बात है, आप शुभम किधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, इधर की तरफ, बट एक्चुअली बॉडी तो उधर चली गई ना, आप खींचने की कोशिश इधर कर रहे थे, अगर बॉडी इधर की तरफ खींच जाती तो आपका काम होता ना, आपके फोर्स के अकॉर्डिंग काम होता, आपके फोर्स के अकॉर्डिंग काम हुआ ही नहीं, ठीक है। जबकि आप ये बोलोगी डॉगी आप पर फोर्स किधर आएगा, इधर की तरफ, एक्शन टू द रिएक्शन, आप डॉगी को इधर खींचोगे तो डॉगी आपको किधर खींच रहा है, इधर की तरफ, फोर्स बाय डॉगी, और आपका डिस्प्लेसमेंट डॉगी के साथ साथ इधर की तरफ, तो भाई साहब एंगल देखो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय डॉगी इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्चुअल में वर्क डन किया किसने, डॉगी ने किया भाई साहब। तो भाई साहब कुत्ता तुमको घुमा के लेके आता है, तुम कुत्ते को नहीं घुमा रहे हो, ठीक है। एक्चुअली जो वर्क डन हो रहा है डॉगी, जब भी आप बोलते हो किसी फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कि फोर्स वर्क डन जहां करना चाह रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस करना चाह रहा है, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट उधर हो नहीं रहा है, वो तो वो किसी और डायरेक्शन में, एंड दैट्स व्हाई द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, व्हाइल द अदर फोर्स का अगर वर्क डन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। इज इट क्लियर, ये चीज क्लियर है तुम्हारे दिमाग में? यस सर। चलिए देन देखते हैं भाई। ये एक बॉडी है, 10 kg का मास है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, 0.5 ले लो, है ना, और यहां पे फोर्स लग रहा है मान लो 100 न्यूटन। जितने भी फोर्सेस हैं, नॉर्मल ग्रेविटी,
फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स, ठीक है, मैं कहता हूँ जो बॉडी है वो मान लो डिस्प्लेसमेंट कर रही है 10 मीटर का, एक एक करके वक्टर निकालिए सारे फोर्सेस के द्वारा, नॉर्मल अप्लाइड फोर्स, एमजी और फ्रिक्शन फोर्स, तब तक मुझे वक्टर चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअली। चलिए जरा निकाल के बताइए। सर नॉर्मल और एमजी का तो जीरो हो जाएगा, जो भी हो जाएगा सबका बताओ, मैं थोड़ा मना किया। और सर ये वाली फोर्स कौन सी है जो ये इधर 100 न्यूटन की लगाई है आपने? अरे मेरा लाइट फोर्स है ना बेटा, बॉक्स को खींचना पड़ेगा ना। हाँ हाँ यस सर, ठीक है। सर नॉर्मल और एमजी के द्वारा जीरो और फ्रिक्शन के द्वारा 500 जूल। फ्रिक्शन का कितना आ रहा है? फाइव हंड्रेड जूल आ रहा है फ्रिक्शन का। हाँ सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बोले? अरे तो ये बता फ्रिक्शन लगेगा कौन सा है यहाँ, लिमिटिंग लगेगा कि काइनेटिक लगेगा कि स्टैटिक लगेगा? काइनेटिक। और अप्लाइड फोर्स का वर्णन कितना है? सर 500 न्यू न्यूटन पर न्यूटन मीटर। आंसर चेक करना चाहोगे एक बार? यस सर रॉन्ग है। रॉन्ग सर, 1000 न्यूटन मीटर अप्लाइड फोर्स। एक सेकेंड, फिर से इशिका तुम्हारी आवाज थोड़ी कम आई, बताना अप्लाइड फोर्स का कितना बताया तुमने? सर 1000 न्यूटन मीटर। 1000 जूल बोला करो भाई, स्टैंडर्ड यूनिट है जूल। और फ्रिक्शन का कितना आ रहा है? सर फ्रिक्शन में नॉर्मल की वैल्यू कैसे रखनी है? यार आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा मोबाइल के पास आके स्पीच लगा के बात करो ना। फ्रिक्शन का उदाहरण सर, फ्रिक्शन का -500 जूल आ जाएगा। वेरी गुड, द वर्कन वाई फ्रिक्शन शुड बी नेगेटिव। कोई भी नेगेटिव नहीं बोल रहा था अभी तक सर। पहला ऑप्शन 500 जूल होगा, टिक करके चले आओगे बता रहा हूँ मैं। सर हाँ जी सर, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब तो बस इतना है ना कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है वर्क डन, या फिर कुछ और है? हेलो, वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। हाँ सर स्केलर है, तो सर नेगेटिव का मतलब क्या जा रहा है? नेगेटिव का मतलब है कि वर्क डन जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा है या करना चाह रहा है, मूव कराना चाह रहा है, बॉडी उस डायरेक्शन में मूव ना करके किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सर इसका मतलब तो अपोजिट हुआ ना, कि फोर्स के अपोजिट मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। एग्जैक्टली ऑपोजिट तो नहीं हो रहा ना बेटा, जरूरी नहीं एग्जैक्टली ऑपोजिट हो। अभी दिखाया था आप डॉग को इस एंगल पे खींच रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एकदम ऑपोजिट नहीं हो रहा है। अच्छा सर ऑप्टिमल एंगल पे हो रहा है ना? तो मतलब अगर देखा जाए फोर्स को आप खींचना इधर की तरफ चाह रहे हो लेकिन मोशन उधर की तरफ हो रहा है, तो आप बोलोगे फोर्स की टेंडेंसी जिधर की तरफ है उधर की एक्चुअली हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे प्लस माइनस क्रिएट्स एन इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज
In the vector quantities, plus and minus shows only direction. If this is positive, then this can be negative. If this is positive, this can be negative. But work done, positive and negative, a huge difference. It tells you about the direction of the displacement and the force and lot of things. And I can't say, sir, this direction was positive, so if it was negative, then if it was positive, then my work done will change. No. आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, वर्क डन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट है कैसे क्या आया? तो भाई साहब नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है, एमडी परपेंडिकुलर है, तो उनका तो वर्क डन वैसे ही हो गया। फोर्स इधर की तरफ लग रहा है 100 न्यूटन, तो फोर्स 100 न्यूटन वाले की वजह से जो वर्क डन आएगा, That is, देखो फोर्स भी था, डिस्प्लेसमेंट भी था, तो आ जाएगा सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 1000 जूल। फ्रिक्शन फोर्स रहेगा पीछे की तरफ, कौन सा लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 100 न्यूटन इज लिमिटिंग से ज्यादा। मैंने कहा म्यू इनटू एन निकाल के देख लो, म्यू की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू एमजी के बराबर, मतलब 10 × 10 मतलब 50 न्यूटन। हाँ भाई साहब 50 न्यूटन से तो ज्यादा लग रहा है ये फोर्स, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स रहेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा सर? माइनस 180 डिग्री हो गया ना इनके बीच एंगल। आप लिखोगे सर ऐसे लिख दो, फोर्स की वैल्यू है 50, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 10 और कॉस है 190, कॉस 180, और 180 इज माइनस 1, तो आप बोलोगे माइनस 500 जूल। दिस इज योर वर्क डन। एनी दिक्कत, एनी परेशानी? नो सर। छोटी छोटी बातें हैं, भूलने का नहीं। चलिए सर आगे बढ़े। यस सर। देखिए मैंने कहा सर इसमें दो केस बनते हैं एक्चुअली, अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो आप वर्क डन को सिंपल लिख देते हो एफ डॉट बी। सेकंड केस, अगर फोर्स वेरिएबल है, अब आप वर्क डन को एफ डॉट डी कैसे लिखोगे, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कोई फिक्स तो है नहीं, कोई थोड़ी देर में चेंज हो रही है। तो भाई साहब एफ डॉट डी में कौन सा वाला फोर्स? कहने का मतलब है अभी मान लो फोर्स 10 न्यूटन है, थोड़ी देर बाद 11 न्यूटन हो गया, थोड़ी देर बाद 12 न्यूटन हो गया, थोड़ी देर बाद 13 न्यूटन हो गया, तो फोर्स इज वेरिएबल। नाउ द फोर्स इज वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल में दूसरी चीज हो सकती है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटीन्यूअसली फोर्स की। आप बोलोगे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो डिस्प्लेसमेंट और उनके पीछे एंगल चेंज हो रहा होगा, तो फिर आप एंगल क्या रखोगे? कुल मिला के आप एफ डॉट डी लगाओगे तो आपसे आंसर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सर आपके पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, फोर्स की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, और फोर्स के टाइम के साथ चेंज हो रही है तो दिक्कत आएगा है ना। तो मैंने कहा अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो आप बोलते हो कि सर एक बहुत छोटा इंटरवल ले लो, बहुत छोटा सा इंटरवल ले लो, उस छोटे से इंटरवल में तो मैं मान सकता हूँ फोर्स थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होगा है ना, उस छोटे से इंटरवल में मान सकता हूँ कि फोर्स थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होगा, बहुत छोटा इंटरवल ले रहा हूँ है ना, सेकंड से भी छोटा। आप बोलते हो उस छोटे से इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बहुत छोटा सा। कैसा हुआ होगा? बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो आप बोलोगे बहुत छोटा सा वर्क डन भी तो हुआ होगा, आप उसको बोलोगे एफ डॉट डी एस, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, मैंने उसको बोल दिया डी एस। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डी एस होता है छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइम पे मैंने बोला कि बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए तो एफ कॉन्स्टेंट मान सकता हूँ ना, अभी एफ कॉन्स्टेंट है, अगले सेकंड दूसरा हो जाएगा, अगले सेकंड में तो मैंने कहा इसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, इस इंस्टेंट में जब फोर्स था तो इस छोटे से फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ डी एस, तो आप बोलोगे छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू। क्या हो गया? छोटा वर्क डन कितना हुआ डी डब्ल्यू। मैंने कहा ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंस पे अलग अलग वर्क डन निकालोगे एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, अलग अलग फोर्स की अलग अलग वैल्यू आएंगी है ना, और सारे वर्क डन का आप एडिशन कर दोगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। टोटल वर्क डन निकालने का आप तो मतलब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करने का मतलब आप बेसिकली एफ डॉट डी एस लगाना। The force is constant, you can apply this F dot D.
if the force is not constant, it is very, but it keeps on changing. And you will have to apply this integration of Alamat. So work done can be given as integration of f dot ds, which my lower limit or upper limit are in d. Okay? Then you can get the total work done because force is variable. ठीक है यहां से देखिए एक और अच्छा भाई साहब मुझे ये बताओ इसका कोई ग्राफ से क्या रिलेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx का ग्राफ से क्या रिलेशन होता है सर एरिया अंडर y एंड x एक्सिस वेरी y एंड x एक्सिस नहीं ग्राफ एंड x एक्सिस वे यस सर सर इसमें आपने y लिखा हुआ है ना y dx अरे बेटा y dx का मतलब होता है y एक फंक्शन होगा कुछ फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ और x एक्सिस के बीच का ग्राफ वो एरिया होता है y एक्सिस और x एक्सिस के बीच का ग्राफ एंगल नहीं होता वो एरिया नहीं होता सर मैंने यहाँ पे y देखा मैंने इसलिए क्या लिखा क्या बोला सर यहाँ पे y इसलिए तो y लिखेंगे और क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे तो ग्राफ लिखेंगे यहाँ पे कैसी बात कर रहे हैं सर fx लिख देते fx क्या होता है y is equal to fx है तो y लिखोगे ना सर क्या बात कर रहा है यार हाँ बोलोगे सर ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है आपने इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिखा है इसका मतलब y और x में कोई ग्राफ आ रहा होगा कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है तो क्या y एक्सिस और x एक्सिस के बीच का एरिया लेता है नहीं आप बोलोगे इस ग्राफ के बीच का जो एरिया चाहिए मुझे आपने बोला x equal to lower limit से x equal to अपर लिमिट का अगर मैं इंटीग्रेशन a से b करता हूं तो ये एरिया होता है ग्राफ और x एक्सिस के बीच का तो आप बोलोगे सर यहां से देखो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन कैन आल्सो बी गिवन एज एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व Is it okay? इसको हाईलाइट कर लो बेटा इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना बताओ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर सिंपल वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा बताओ वर्क डन कितना है आप बताओ इससे इतने इतने टफ क्वेश्चन पूछे नीट ने भाई साहब अब इसको ये कंसेप्ट आता होगा उसके लिए तो भाई बाएं हाथ का खेल था और इसको नहीं आता होगा अरे बाबा बहुत टफ क्वेश्चन पूछा नीट ने ठीक है और एक या दो साल पहले की बता रहा हूँ मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ ये 2016-17 अराउंड या मे बी 18 में एक क्वेश्चन पूछा था सिंपल डायरेक्टली ग्राफ दे दिया वर्णन पूछा है भाई तो भाई नीट बहुत बेसिक बहुत कंसेप्चुअल बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है ठीक है चलिए देखो स्क्रीनशॉट लें एक क्वेश्चन करते हैं Body is moving in x direction. By a force. Fine. Work done by this force moving from origin to x equal to 2 meters. Solve it. प्रॉपर फॉर्मूला लगाएं मेथड से स्टेप बाय सॉल्व करें जल्दबाजी नहीं करें ट्वेल्व जूल क्या हुआ ट्वेल्व जूल 12 Joule. Anybody else?
एक आंसर आया भाई, और कोई आंसर है? सर 12 जूल। क्या 12? 12 मीटर सर, जूल बताया ना मैंने। तो वर्कडन क्या बोलते हो सर, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा इस केस में? आप बोलोगे दिस फोर्स इज आल्सो अलोंग द एक्स डायरेक्शन ओनली, एक्स के अलोंग ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के अलोंग ही हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो सिंपल क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, फोर्स की वैल्यू रखिए 3x² + 2x, है ना, इंटीग्रेट कर दोगे इसको डी एक्स, एक्स की लिमिट दे रखिए ओरिजिन से x = 2 मीटर, तो 0 से लेकर 2, बस इसको सॉल्व करना, इंटीग्रेशन करके जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। आई एम नॉट सॉल्विंग, आई एम जस्ट लीविंग यू। 2 क्वेश्चन के आंसर देना। फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन 0 होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या कुछ भी हो सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब ये बॉडी ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? मैंने वी पीछे थ्रो की, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? क्वेश्चंस सर, पहले वाले में ऑल, दूसरे वाले में 0। दूसरे वाले में 0। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर आंसर? चलो, आई एम नॉट टेलिंग द आंसर टुडे, आई एम जस्ट लीविंग इट ऑन यू, ठीक है? आंसर ढूंढ के, आंसर सर्च करके जो भी है, और रीजन के साथ मुझे आंसर बताएंगे, तो एग्जांपल के साथ आपको आंसर बताने पड़ेंगे, ठीक है? तो आज का इतना ही काफी है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करें, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सोचें इसके बारे में, एंड दैट्स इट। आई गेस आपका कल टेस्ट है, तो ऑल द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड, जो भी दिए हैं उसको सॉल्व कर लेना, थ्योरी को अच्छे से कर लेना, थ्योरी के एग्जाम्पल सारे कर लेना, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। चलिए देन, कोई डाउट सर? बोलिए सर, सेकंड वाले हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 इसलिए होगा। मुझे नहीं मालूम, आज मैं बात ही नहीं करूंगा इन दो क्वेश्चंस की। ओके सर, ठीक है, आराम से घर पर बैठ के सोचेंगे, तब हम आराम से बात करेंगे सबके लिए, ठीक है? चलिए देन, थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग सर।